बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को इस्लामी तदरीस चैनल में खुश आमदीद और खुलूस बरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और अपनी रहमतों का साया हमेशा आप सब पर कायम और दायम रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़ के आरज़ करने लगा, या अली, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। या अली, इंसान के दिलों से मोहब्बत ख़त्म क्यों हो जाती है और लोग कैसे इतनी जल्दी एक दूसरे को भूल जाते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान खुद ही मारता है, अपने हाथों से खत्म कर देता है। यह सुनकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, या अली, मतलब मैंने अपने रिश्ते खुद ही खत्म किए, वो कैसे? बात जब यहां तक पहुंची तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रिश्तों का इख्तिताम इन पांच वजूहात की बिना पर होता है। पहला यह कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो जब वो परेशान हो तो उस वक्त उसकी परेशानी का मजाक मत उड़ाना, वरना वो यह समझेगा कि मेरे परेशान होने के बाद भी यह शख्स इतना खुश है और ये एहसास उसे तुमसे दूर करता जाएगा। और दूसरी बात यह कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो जब वो इंसान खुश हो तो उसकी खुशी पे ताने ना मारना, जब तुम उसकी खुशी को देख के उस पे ताने मारना शुरू करोगे तो उसके वजूद में यह एहसास पैदा होगा कि मेरी खुशी देखकर यह हसद करता है और यह एहसास उसको तुमसे दूर लेके जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, रिश्ते खत्म होने की तीसरी वजह है नफरत। नफरत करने से रिश्तों के बीच में एहसास खत्म हो जाते हैं और नफरत करने से लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। चौथा यह कि जो इंसान आपके दिल के बहुत करीब हो उनको कभी जानबूझ कर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि किसी को नजरअंदाज करने से रिश्ते दिन ब दिन दूर हो जाते हैं। और पांचवा यह कि कभी गैरों की बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि गैरों की बातों पर लगकर गलतफहमी की राह पे चलने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं।